सर पीपुल्स पार्टी का तीसरा दौर कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ नौशहर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको दर्जा नहीं मिला है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है जुल्फकार बेहन जो है वो कौमी असेंबली में है, वो MNA है, यहाँ से चार पीपुल्स पार्टी। अभी आप लोगों ने शिकायत की है, मैं भी जेल से निकला हूँ, अभी जाऊँगा मिलूंगा आपकी, ये बात पूछूंगा उनसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपका हक है, क्योंकि मेंबर्स जितने भी आते हैं उनको डेवलपमेंट का फंड मिलता है, उनको यहाँ डेवलपमेंट कराना चाहिए। नहीं, अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट नौशहर तो है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहबा से मैं बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि यहाँ पे ये इश्यूज है, तो अगर आप मुझे एक ब्रीफ बना के दें, अगर अयाज खान को अगर आप देंगे ब्रीफ बना के पहुंच जाएगा, तो जितने भी यहाँ पे इश्यूज है मैं पॉइंट बाय मैं कोशिश करूंगा। देखें मेरे बस में नहीं है, बाकी असेंबली भी देखना हो तो मेरे बस में है, वहाँ पे पास चाहिए तो मेरे बस में है, अगर आपका कोई लेजिस्लेशन कराना हो वो मेरे बस में है, आपका कोई कानून जर्नलिज्म में कोई पास कराना हो वो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स हैं जो डील करते हैं, लेकिन उनसे बात की जा सकती है आपके बिहाव पे, आवाम के बिहाव पे, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम आवाम की सकते हैं। यहाँ नौशहर अफरोज में यही सूरत हाल है कि डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होने के बावजूद 3 म्यूनिसिपल इस शहर में है और उसको म्यूनिसिपल का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। आपसे मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये वादा करूंगा कि मैं उनसे बात जरूर करूंगा, चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा, तो मुझे आप ब्रीफ बना के दें, 1, 2, 3 जो इश्यूज हैं यहाँ के, MPS MNA से भी बात करूंगा, और गांव खिलाफ गलैंड जो हुआ वो ठीक न हूँ, मां पाण कोर्ट जो निकतल आया पाण समझो था कोर्टिंग के खिलाफ लगा लाया। किस तरह देख रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा जमानत की क्या डील हो रही है, जमानते एक सियासी रहनुमा की जमानत दूसरे की जमानत लाइन लग गई है, तो ये डील है। देखिए हमने तो मेरिट पे जमानत दी है, जरदारी साहब ने हेल्थ ग्राउंड पे जमानत दी है, बयाल तालपुर साहबा ने हेल्थ पे जमानत दी है, हेल्थ ग्राउंड पे जमानत दी है, तो मेरिट पे है सारी चीजें, कोई हमने कोई डील वील नहीं की। चंदा सिंध में वो पीपल्स पार्टी ग्रुप जो उन साथ पीटीआई से सिंध हुकूमत किराए पीटीआई हुकूमत ठाण चाहे थी बेवकूफ मानू है जो ये गाल करे तो ये कभी थी सके तो इतने एक ग्रुप है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी खड़े कोई भी कोई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को आप कैसे देख रहे हैं, इमरान खान ने आते हुए ऐलान बड़े ऐलान किए थे कि मैं लोगों को रोजगार भी दूंगा और ये अब महंगाई खत्म करूंगा, अब तो ये सूरत हाल। मैं जब जेल में था और कोर्ट जाता था वहाँ ये सारी हमारी फॉर्म भी आती थी, मेरे पार्टी के वर्कर भी आते थे, जनरल पब्लिक भी आती थी, वो मुझे बताते थे कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी, क्योंकि उनकी तनख्वाहें वही हैं, फिक्स तनख्वाहें, आम जो गरीब आदमी है या क्लर्क है या फिर ऑफिसर भी है, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब तो गैस का इशू है, गैस जो है वो है ही नहीं, आप यकीन करें अब बिजली पे खाना बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं जेल में जब आता था तो मुझे पता चलता था, अफसोस होता है कि आवाम का ख्याल करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को अल्लाह ने मौका दिया कि खिदमत करें तो खिदमत करना चाहिए, अब आवाम के ऊपर प्रेशर डालना जो है वो फिर उनका नुकसान ही होगा। जिंदाबाद।